दोस्तों अगर आप YouTube पर वीडियो बना करके अपलोड करते हो और उसके बाद में आपके वीडियोस पर व्यूज नहीं आते हैं और या फिर आपके चैनल पर कुछ भी ग्रोथ नहीं मिलता, तो आप डीमोटिवेट हो जाते हो, सोचते हो यार ये तो बिल्कुल बेकार चीज है YouTube पर वीडियो डालना, इसमें सिर्फ टाइम ही बर्बाद होता है, बाकी कुछ नहीं हो सकता। अगर आप इस तरीके से सोचकर डीमोटिवेट हो जाते हो तो इस वीडियो को फुल देखना बिना स्किप किए, आप डीमोटिवेट से मोटिवेट हो जाएंगे। और मोटिवेट क्यों हो जाएंगे अभी आगे फुल वीडियो में पता चल जाएगा कि किस तरीके से वॉच टाइम कंप्लीट किया जा सकता है। दोस्तों हाँ, यहाँ पर राम जीत ने कंप्लीट किया वॉच टाइम 28 दिन में। 28 दिन का एनालिटिक्स मैं आपको दिखाऊंगा, मैं एनालिटिक्स इनका दिखाऊंगा और चैनल मोनेटाइज करके अप्लाई करके भी दिखाऊंगा तो इन्होंने किस किस तरीके की वीडियो डाली, ये सारी चीजें मैं बताऊंगा और इनसे भी बात कराऊंगा तो आपके अंदर कुछ मोटिवेट लगेगा। सबसे पहले तो चैनल मैं दिखा देता हूँ, चैनल पहले दिखा दीजिए एनालिटिक्स। तो यहाँ पर इनका एनालिटिक्स देख सकते हो, यहाँ पर स्क्रीनशॉट लगा हुआ है, यहाँ पर कितना सब्सक्राइबर है एक बार दिखाते हैं। यहाँ पर अभी प्रेजेंट टाइम पर 1049 सब्सक्राइबर हो चुका है और यहाँ पर जो वॉच टाइम है देख सकते हो लास्ट 28 दिन का, यहाँ पर 4.1K वॉच टाइम हो चुका है। और वॉच टाइम पे मैं क्लिक करके दिखाता हूँ, ये देखते हैं यहाँ पर वॉच टाइम एक एक दिन में इनका वॉच टाइम बढ़ा हुआ है कितना, वही 365-66 घंटे एक एक दिन में वॉच टाइम बढ़ा हुआ है, बढ़ता है अभी इस टाइम पर। और यहाँ पर देखते हो सब्सक्राइबर 587 कुछ 28 दिन के अंदर आ चुके हैं सब्सक्राइबर, और पहले से कम आ रहे थे लेकिन अभी एकदम से 2-4 दिन से ग्रोथ अच्छा चैनल पे दिखा, चैनल मोनेटाइजेशन अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हो चुका है। तो सबसे पहले इनसे बात करता हूँ, वीडियो कैसी डाली इन्होंने, वीडियो कैसी डाली वो पहले बताओ एक बार। वीडियो मैंने भक्ति की डाली है, यहाँ पर नेट स्लो इसलिए ओपन नहीं हुआ, ये भक्ति वीडियो मैं डालता हूँ इसे, तो ये भक्ति वीडियो पर ही है। तो इन भक्ति वीडियो डाली है, जैसे कि भक्ति कोई सॉन्ग होते हैं उस तरीके से एल्बम टाइप में बना के, यानी कि कह सकते हैं जैसे कोई भी गाना लिया और वो एल्बम टाइप में बना लिया, एल्बम टाइप का मतलब एल्बम टाइप में बना लिया मतलब कुछ भी फोटो गूगल से उठा के और उसके बाद में उसमें थोड़ा बहुत एडिट करके और किसी का मतलब सॉन्ग लगा के इन्होंने वीडियो डाली है। तो उन वीडियोस पे कॉपीराइट क्लेम तो है, क्लेम तो काफ़ी ज़्यादा सभी वीडियो पे है और कुछ वीडियो ऐसी हैं जिन पे क्लेम नहीं है, लेकिन अब ये चैनल बात ये है कि चैनल मोनेटाइज होगा या नहीं मोनेटाइज होगा। तो यहाँ पर मैं आपको गारंटेड बता रहा हूँ ये चैनल मोनेटाइज हो जाएगा, क्योंकि मोनेटाइज इसलिए हो जाएगा क्योंकि इन्होंने जो वीडियो है ना डायरेक्ट मतलब किसी की डाउनलोड की और तुरंत अपने चैनल पर अपलोड कर दी, वो ऐसा नहीं किया इन्होंने, सिर्फ इन्होंने किया है कि मतलब किसी की वीडियो ली, गाना लिया और उसमें गूगल से फोटो डाउनलोड की और उसके बाद में उन्होंने अपनी कुछ उसमें एडिटिंग में एक्टिविटी की, उसके बाद में डाल दिया यूट्यूब पर। तो वहाँ से क्या होता है कि यूट्यूब पर क्लेम दे देता है, जिसका मतलब जो म्यूजिक कंपनी का ओनर होता है ना वो क्लेम दे देता है कि भैया इसका जो भी अर्निंग होगा मैं ले लूँगा, सीधी सी बात है, और आपको मैं स्ट्राइक वगैरह कुछ नहीं पकड़ा रहा हूँ, तो ये चीज़ कॉपीराइट स्ट्राइक नहीं दे रहा हूँ ये चीज़ होती है। तो क्या है कि ये जब चैनल मोनेटाइज हो जाएगा इसका पैसा नहीं मिल पाएगा, लेकिन आप डायरेक्ट शुरू से ही पैसे के पीछे भागने लगते हो कि मेरा चैनल मोनेटाइज हो जाए और पैसा मिलना स्टार्ट हो जाए, तो यही तो गलती करते हो। और इन्होंने ये दिमाग लगाया है क्योंकि अगर मेरा चैनल मोनेटाइज हो जाएगा उसके बाद में मैं अपनी वीडियो डाल सकता हूँ और उससे पैसे कमा सकता हूँ, लेकिन किसी तरीके से जो भी मतलब ट्रेंड में या कुछ भी किसी तरीके का चल रहा है उस तरीके से चैनल को पहले मैं ग्रो कर लूँ पहले, तो इन्होंने ऐसा कुछ सोचा था, ये यही बात है ना जी, इन्होंने बताया यही सोचा था। तो अभी देखते हैं ये पूरी भक्ति वीडियो है और इसके बाद में कुछ शॉर्ट भी डली है, तो इनसे मैंने शॉर्ट वीडियो डली थी वो तो मैंने डिलीट करवा दी है, लेकिन आप लोग सोचोगे कि मैं ही सारी चीज़ बता रहा हूँ, ये नहीं बता रहे हैं क्योंकि इनको है ना कैमरे के सामने अभी थोड़ा सा नर्वस फील हो रहा है कैमरे के सामने आने में, क्योंकि मैं काफ़ी दिन से वीडियो बनाता हूँ तो मुझे कुछ भी नहीं दिक्कत होती, मैं तो फिलहाल कैसे भी वीडियो रिकॉर्ड करता हूँ बोल सकता हूँ, लेकिन इन्होंने जो वीडियो डाली वो दूसरे की उठा के डाली है तो इनको थोड़ा सा अभी कैमरे के सामने बोलने में थोड़ा हिचकिचाहट या फिर नर्वस फील हो सकता है, ऐसा ही हो रहा है इसलिए ये अच्छी तरीके से नहीं बता पा रहे, तो मैं सारी चीज़ें बता रहा हूँ और क्योंकि ये मेरे पड़ोस में ही रहते हैं तो मेरी डेली बात होती रहती है, डेली जानते रहते हैं कि किसका चैनल कौन सी वीडियो डाली, कौन सी वीडियो डाली, चैनल कैसा चल रहा है, सब चीज़ पता चलती रहती है, इसलिए मैं सब चीज़ अपने हिसाब से बता रहा हूँ, यानी कि मैं ऐसा मान लीजिए कि मेरा ही चैनल हो, दिन की मुझे जानकारी रहती है कि चैनल पर कितना व्यूज आ रहा है, कितना वीडियो डाला, तो
इसलिए मैं बता रहा हूँ। अब इन्होंने वीडियो जो डालने हैं, ये इनसे पूछ लेता हूँ कि तुम कब कब वीडियो अपलोड करते हो, मतलब कितने टाइम पे अपलोड करते हो, कितने दिन में अपलोड करते हो, दिन में कितनी वीडियो अपलोड करते हो, कितने टाइम पे वीडियो अपलोड करते हो, ये चीज अब ये रामजीत बताएंगे। मैं रेगुलर वीडियो अपलोड करता हूँ डेली, सुबह के 5 बजे हैं, 3 बजे हैं, ऐसे टाइम में अपलोड करता हूँ डेली। डेली ये वीडियो सुबह के 5 बजे के आसपास इसलिए अपलोड करते हैं क्योंकि इनका भक्ति चैनल है ना, तो भक्ति जो गाने वगैरह होते हैं एल्बम के, वो लोग सुबह सुबह ही ज्यादा सुनना पसंद करते हैं। इसलिए क्या है कि सुबह के टाइम पे इस पे व्यूज काफी अच्छे आ जाते हैं इनके चैनल पे, और जब जैसे जैसे दोपहर होती जाती है उतने डाउन होते जाते हैं व्यूज। एक बार व्यूज का लाइटिंग दिखाना, तो यहाँ पर देखते हो ये ग्राफ दिख रहा होगा आपको, यहाँ पर सुबह का ग्राफ है ना, देखते हो कितना हाई गया, और इधर अभी टाइम हो रहा है कितना 9:36 हो रहा है, आप लाइव देखते हो यहाँ पर, और तो यहाँ पर ग्राफ धीरे धीरे कम होता जाता है, और उसके बाद में शाम के टाइम उठता है नहीं उठता है, शाम के टाइम चलता है, शाम के टाइम थोड़ा थोड़ा उठता है, उसके बाद में सुबह के टाइम सबसे ज्यादा बेनिफिट मिलता है देखने को। और अब मैं आपको इस चैनल को मोनेटाइजेशन के लिए अप्लाई करके दिखाने वाला हूँ, तो चलिए मैं अब अप्लाई करता हूँ, तो मैं मोनेटाइजेशन के लिए अप्लाई करता हूँ, तो अब क्या करना होगा रामजीत से ही करवाएंगे क्योंकि रामजीत को भी सारी चीजें पता चल जाए, इसलिए मैंने तो कई चैनल के लिए अप्लाई किए हैं लेकिन रामजीत से करवाता हूँ। तो अब चलिए अर्न वाले पे ऑप्शन पे क्लिक कीजिए, अर्न वाले ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर 3 स्टेप आपको दिए जाते हैं, और यहाँ पर मैं एक चीज आपको बता दूँ, आप अपने YT स्टूडियो से भी मोनेटाइजेशन अप्लाई कर सकते हैं, या फिर आप क्रोम ब्राउजर पे जाकर अपना YT स्टूडियो ओपन करेंगे वहाँ से भी कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर YouTube YT स्टूडियो से ही करके दिखा रहा हूँ। तो अब यहाँ पर देखते हो 3 ऑप्शन मिल चुके हैं, जैसे अप्लाई वाले पे क्लिक किया, अब यहाँ पर आपको स्टार्ट लिखा मिला, इस पर क्लिक करना होगा, तो यहाँ पर क्लिक कर दीजिए अभी, तो यहाँ पर क्लिक कर दिया इन्होंने, और यहाँ पर YouTube की जो टर्म्स होती हैं वो सारी आपको रीड करनी पड़ती हैं, पढ़नी पड़ती हैं कि मतलब इस कंडीशन में आपका चैनल मोनेटाइज नहीं रहेगा, और अगर आप अपने चैनल पर इस तरह की गलती कर रहे हो तो ये सारी टर्म्स लिखी होती हैं, आप पढ़ना चाहें तो पढ़ भी सकते हैं, इसको स्क्रॉल कर दीजिए। पूरा स्क्रॉल करने के बाद यहाँ पर आई एक्सेप्ट करना पड़ता है, YouTube का जो भी प्रोग्राम है पार्टनर का वो यहाँ पर टिक करना होगा, टिक कर दीजिए, टिक करने के बाद यहाँ पर एक्सेप्ट करना पड़ता है, एक्सेप्ट कर लीजिए। अभी दोस्तों यहाँ पर देखते हो एक्सेप्ट हो चुका है, जो भी YT स्टूडियो का प्रोग्राम होता है ना वो यहाँ पर एक्सेप्ट कर लिया। अब दोस्तों यहाँ पर दूसरा ऑप्शन ओपन होके आ चुका है, दूसरा ऑप्शन में स्टार्ट का ऑप्शन मिला है, अब यहाँ पर आपको ध्यान देना है अच्छी तरीके से, नहीं तो आप कोई भी गलती करेंगे तो आपके चैनल नहीं भी मोनेटाइज हो सकता, आपको दिक्कत भी हो सकती है। तो अब यहाँ पर स्टार्ट पे क्लिक कर दीजिए, स्टार्ट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर 3 ऑप्शन आपको मिलेंगे, यहाँ पर लिखा हुआ है यस आई हैव एन एडसेंस अकाउंट, और यहाँ पर दूसरे ऑप्शन में मिल जाता है नो आई नीड टू क्रिएट ऑन। तो यहाँ पर आप किस ऑप्शन पे क्लिक करना है राम जी से पूछते हैं, तो कोई भी आपने पहले से एडसेंस बना रखा है? हाँ बना रखा है। अच्छा, तो अगर बना रखा है तो यहाँ पर ऊपर वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, और नहीं है तो नीचे वाले ऑप्शन पे क्लिक करना होगा आपको। तो इनके पास तो एक दूसरा एडिशंस पहले से है, तो अब इनको क्लिक करना होगा फास्ट वाले ऑप्शन पे, इस पर क्लिक किया, फिर उसके बाद नेक्स्ट करेंगे, नेक्स्ट करने के बाद कुछ इस तरीके से स्टेप खुल के आएंगे, खुल जाने देता हूँ। अब यहाँ पर देखते हो इस तरीके से ऑप्शन आ चुके हैं, अब यहाँ पर सारी जीमेल आईडी आ चुकी है, जिस जीमेल आईडी से आपका एडसेंस है उस पर क्लिक करना होगा, ये वाली बनाएंगे रामजीत कुमार, हाँ तो उस वाले जीमेल आईडी पर क्लिक कर, तो आपके में सारी जीमेल होंगी तो सारी दिख जाएंगी, एक ही जीमेल होगी तो एक ही दिखेगी, और आप जिस जीमेल आईडी से बनाना चाहते हैं बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। गूगल एडिसेंस दोस्तों जिन लोगों को नहीं पता है उन लोगों को मैं बता दूं, गूगल एडिसेंस होता है ना, गूगल एडिसेंस पहले चैनल से लिंक किया जाता है, गूगल एडिसेंस एक अकाउंट आपका बनता है, वो आपका गूगल मतलब यूट्यूब से लिंक किया जाता है, यूट्यूब गूगल एडिसेंस में आपको डॉलर देता है, और गूगल एडिसेंस आपको बैंक में पैसा देता है, तो ये चीज़ होती है, फुल स्टेप मैंने बता दिया। अब यहाँ पर दोस्तों आपको देखते हैं इस तरीके से ऑप्शन मिल जाएगा, और इसके बाद में आपको यहाँ पर योर बिलिंग कंट्री सेलेक्ट करनी पड़ेगी, तो यहाँ पर आपको कंट्री सेलेक्ट करनी पड़ेगी, तो इस पर क्लिक करेंगे, इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ इंडिया से है तो इंडिया सेलेक्ट करेंगे, क्योंकि मैं इंडिया से बना रहा हूँ एडिशन इंडिया में, तो इंडिया पे क्लिक किया, इंडिया पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर नीचे स्क्रॉल करके जाएंगे इस तरह से, ये टर्म्स दी जाती हैं इसको छोड़ देंगे, तो उसके बाद में यहाँ पर इस बॉक्स पे क्लिक करेंगे, इस पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर सेटअप अकाउंट पे क्लिक करेंगे, सेटअप अकाउंट पे क्लिक करना होगा, कर दो,
सेटअप अकाउंट पे क्लिक करने के बाद कुछ इस तरीके से अभी आगे नेक्स्ट पेज ओपन होके आएगा, थोड़ा देखते हो इस तरीके से ओपन होके आ चुका है। और यहाँ पर आपको ध्यान देने की बात है फुल, यहाँ पर देखते हो ये जो है ना अकाउंट टाइप, ये इंडिविजुअल है, यहाँ पर आपको इंडिविजुअल ही रखना है, बिजनेस नहीं करना है। बिजनेस वो लोग कर सकते हैं जिनकी कोई कंपनी वगैरह है। तो इसके बाद में नीचे आएंगे, यहाँ पर देखते हो इनका जो नाम है ना यहाँ पर ऑटोमेटिक उठा लिया है, तो एड्रेस को राम एडिट कर, तो यहाँ पर एड्रेस सेम ही है फिलहाल, कुछ जो थोड़ा बहुत एडिट करना है वो देख लेते हैं। हाँ यहाँ पर थोड़ा बहुत एडिट करना है वो एडिट करके मैं आपको बताता हूँ। नाम एंड एड्रेस में यहाँ पर नाम में रामजीत कुशवाहा ओके, आधार पर जिस तरीके से यहाँ पर आपको ध्यान देना है, जो भी आपके आधार डॉक्यूमेंट्स पे नाम है वही आपको नाम लिखना है अपना। तो यहाँ पर जो भी तुम्हारा नाम है यही है रामजीत कुशवाहा, हाँ तो रामजीत ही पूरा लिखना पड़ेगा, कुशवाहा नहीं लिखना पड़ेगा, क्योंकि ये होता ना बाद में वेरिफिकेशन किया जाता तो फिर दिक्कत आ सकती है ना एडिशंस में। और एडिशंस अपना एक नाम से एक ही बार बना सकते हैं, तो इसलिए यहाँ पर स्पेस कुछ नहीं रखना, यही नाम रखना होगा। उसके बाद में यहाँ पर जो एड्रेस है ये कुछ गलती से दूसरा ले लिया है इसने, या फिर इन्होंने पहले कुछ डाला था ऐसे करके देखा होगा, तो ये एड्रेस चेंज करना पड़ेगा पूरा, यहाँ का एड्रेस डाल। तो यहाँ पर देख सकते हो नेम में नाम लिख लिया है, उसके बाद में यहाँ पर एड्रेस वन में कुछ एड्रेस अपने गांव का लिख लिया है, और उसके बाद में एड्रेस लाइन टू में पूरा एड्रेस लिख लिया है, थोड़ा एड्रेस ऊपर वाली लाइन में लिखा थोड़ा नीचे, और यहाँ पर सिटी पे जो भी सिटी है मेरी वो लिख दी है, उसके बाद में पिन कोड भी लिख लिया है। और उसके बाद में अब मुझे क्या करना होगा, यहाँ पर मैंने यहाँ पर मेरा स्टेट भी सिलेक्ट है, और उसके बाद में अब सबमिट पे करना होगा क्लिक, मैं सबमिट पे करता हूँ क्लिक, सबमिट पे रामजीत ने क्लिक किया, और जैसे ही सबमिट पे क्लिक किया कुछ इस तरीके से ऑप्शन आ चुका है। अभी नीचे स्क्रॉल करके जाना होगा, रेसिडेंट टू यूट्यूब पे क्लिक करना होगा, कर दो रेसिडेंट यूट्यूब पे क्लिक कर दिया, तो ये कुछ इस तरीके से पेज पे लेके जा रहा है। हाँ तो इस तरीके से पेज पे लेके जा चुका है, अब यहाँ पर इन प्रोग्रेस लिख के आ चुका है। अब ये है ना मोनेटाइजेशन के लिए अप्लाई हो चुका है चैनल, अब यहाँ पर इन प्रोग्रेस लिखा मिल रहा है, ये इन प्रोग्रेस अब जब तक लिखा रहेगा अब गूगल एडिसेंस टीम चेक करेगी कि इनका एडिसेंस बनाया जा सकता है या नहीं बनाया जा सकता है, इन्होंने कोई दूसरा एडिसेंस तो नहीं बना रखा है, मतलब इस एड्रेस इस नाम से इस डिवाइस से मतलब इस ईमेल से कुछ भी, ये सारी चीज़ चेक की जाएगी। उसके बाद में अब क्या होगा यूट्यूब एडिसेंस अप्रूवल हो जाएगा, तो यहाँ पर भी डन, ये जो फर्स्ट ऑप्शन सही का लगा हुआ है इस तरीके से लग के आ जाएगा। उसके बाद में ये तीसरा वाला इन प्रोग्रेस में ऑप्शन चला जाएगा, तीसरा वाला इन प्रोग्रेस में जाने के बाद में वहाँ पर YouTube की टीम रिव्यू करेगी कि मतलब इनका जो कंटेंट है किसी का दूसरे का डायरेक्ट उठा के तो नहीं डाले हैं इन्होंने, कुछ मतलब कम्युनिटी गाइडलाइन वायलेशन तो नहीं किया है, मतलब इन्होंने कोई मतलब अपनी एक्टिविटी की है वीडियोस में या नहीं की है, वॉच टाइम किस तरीके से गेन हुआ, सब्सक्राइबर कोई किस तरीके से गेन हुए हैं, मतलब सब चीज़ सही है ना चैनल पे, कैटेगरी वगैरह सब चीज़ इनकी चेक करेगा YouTube की टीम, और चेक करे YouTube की टीम सब चीज़ चेक करेगी, और उसके बाद में इनका चैनल मोनेटाइज हो जाएगा सक्सेसफुल, इनको ऐड चलाने का ऑप्शन मिल जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ इस वीडियो में मैंने जो भी बताने की कोशिश की सब चीज़ आपको समझ में आ गई होगी, और आप अगर डीमोटिवेट हो रहे होंगे ये सोचकर कि यार ये YouTube काफ़ी ज़्यादा दिक्कत वाली बात है, YouTube नहीं होगा, YouTube पर व्यूज नहीं मेरे चैनल पर आते हैं, और कैसे आएंगे क्या करना होगा, तो आपको दिमाग लगाने की ज़रूरत है, और व्यूज और सब्सक्राइबर बढ़ने में टाइम नहीं लगता है, जिस तरीके से रामजीत ने करके दिखाए आपको, तो मैंने स्टार्ट में बता ही दिया किस तरीके से सब्सक्राइबर और वॉच टाइम सब चीज़ कंप्लीट हुआ है। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो अच्छा लगा होगा, वीडियो कैसा लगा कमेंट में बताइए, वीडियो अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बिल नोटिफिकेशन क्लिक करके ऑल पर क्लिक कर दीजिए, ताकि मैं जब भी इस चैनल पर कोई वीडियो अपलोड करूँ आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए।